नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। त्योहारों का महीना शुरू हो रहा है, अभी पितृपक्ष चल रहा है, इसके बाद नवरात्र आएंगे, भगवती काली की पूजा होगी, उसके बाद छठ महापर्व है, भैरवाष्टमी है, तो बहुत सारे पर्व लगातार आ रहे हैं। बीते महीने भाद महीना बीता जिसमें कृष्ण का जन्म हुआ, तारा का प्रादुर्भाव हुआ, गणपति जी आकर विराजे। अब ये जो पितृपक्ष का समय है, इसमें लोग सोचते हैं कि कुछ ऐसा कर लें कि पितृ खुश हो जाए और पितृ दोष से मुक्ति मिल जाए। तो आप में से कई फॉलोअर्स ने मुझे ऐसा मैसेज किया कि आप पितरों को शांत करने के लिए और पितरों को खुश करने के लिए, पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए कोई साधना हमें बताइए, कोई मंत्र विधान हमें बताइए। देखो, पितर होते क्या हैं ये समझना बहुत जरूरी है। पितर कोई सुपर कॉन्शियस देवता नहीं होते। पितृ वो हैं जो किसी जन्म में या इसी जन्म में आपसे रिलेटेड हो। अब इसमें क्या खेल आता है कि हर आत्मा दूसरे आत्मा से संबंध रखती है किसी ना किसी जन्म में। तो कुछ तो वो आत्माएं हो गई जो अभी पृथ्वी पर विचर रहे हैं और भटक रहे हैं, कुछ वो आत्माएं हो गई जो कि अभी ट्रैवल कर रही है, वो उसने पृथ्वी को छोड़ दिया है और वो आगे बढ़ चुकी है, और कुछ आत्माएं स्थिर होकर के लोगों को देखती हैं, प्रेत कहते हैं जिनको। आपके ही पूर्वज हैं, एक तो ये समझ लो शरीर छोड़ने के बाद सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट हम लोगों में डालना चाहते हैं कि हम सब एक दूसरे से संबंध रखते हैं, जब शरीर छूटता है तो सच में हर आत्मा दूसरे आत्मा से संबंध में रहती है। तो जो भी द्वेष हो, जो भी किसी से नफरत हो, ठीक है, शरीर छूटने के बाद सब छूट जाता है, और जिसका नहीं छूटता है वो प्रेत योनि में ना जाके भूत योनि में चला जाता है। तो प्रेतों को खुश करने के लिए जो हमारे पितृ देव हैं, उनको खुश करने के लिए, उनको आनंदित करने के लिए कि हम आपको आज भी याद करते हैं, कोई विशेष दिन नहीं होता है। पितर आपके तभी प्रसन्न रहेंगे जब उनको आप परिवार के रूप में मानोगे, उनको एक स्थान दोगे। घर के दक्षिण दीवार पर अगर घर में बाउंड्री है तो और अच्छी बात है, घर के बाहर जो दक्षिण दीवार है उस पर एक छोटा सा मंदिर लगाओ। साल भर की पूजा बता रहा हूँ पितरों को खुश करने के लिए, लेकिन इस की शुरुआत इस अमावस्या से होगी। जो अंतिम दिन होगा पितृपक्ष का, जिस दिन भगवती देवी दुर्गा का प्रादुर्भाव होता है, उस दिन पितृ के साल भर का पूजा की शुरुआत की जाती है। तैयारी में आपको क्या क्या रखना है? तैयारी में आपको एक मंदिर रखना है छोटा सा, दो नारियल रखने हैं आपको पानी वाले, एक चुनरी रखनी है जो भी सुंदर हो, और एक सफ़ेद धोती रखनी है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट रहेगा, एक कॉपर का छोटा लोटा रहेगा जिसमें कि पानी रहेगा, एक प्लेट रहेगा कासा का जिसमें कि विष्णु भगवान का पदचिन्ह बना होता है। ये विशेष प्लेट आता है पितरों को भोग देने के लिए, तो ये आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा या बनवाना पड़े, ये बनवा लो, अभी समय है एक सप्ताह का। तो जो पितरों को जो भोग देते हैं वो प्लेट
आठ कोनों का होता है और उसमें विष्णु भगवान का पद चिन्ह होता है। ठीक है, जिस दिन अमावस्या होगी, आने वाला जो अमावस्या है, जिस दिन महालया होगा, उस रात्रि में आप इसको दक्षिण दीवार पर मंदिर को टांग दोगे। वामे रमा रमन कुशला, जो लेफ्ट हैंड साइड है मंदिर का, उसमें चुनरी और उसके ऊपर एक नारियल रखोगे, और जो राइट हैंड साइड है उसमें सफेद धोती और एक नारियल रखोगे, और वहां पितरों का आवाहन करोगे। तो आवाहन कैसे करोगे? कोई मंत्र से आवाहन नहीं करना है आपको, बस इतना मनोभाव रखना है, अगर बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं कि हे पितरों, मैं आपको यहाँ स्थापित करता हूँ। ठीक है, जो माता योनि में जो पितरों ने जन्म लिया था, वो आकर के उस नारियल पर विराजे, जिसके साथ चुनरी है और जिसके साथ धोती है उस पर जो पुरुष है वो विराजे। इसके बाद आपको गरी या ड्राई फ्रूट, जो आपका अष्टकोण वाला जो प्लेट है, उस पर उनको चढ़ाना है, और तीन अगरबत्ती चढ़ाना है, और कांसे का जो आपने एक लोटा रखा है उसमें जल देना है। ये अमावस्या, इस अमावस्या को ये क्रिया आप लोग करेंगे। इसके बाद रोज अगरबत्ती दिखाएंगे और जल देंगे, मतलब उस कांसे के बर्तन में आप जो कांसा का छोटा लोटा रखा है उसमें आप जल भरेंगे। ये आपको रोज करना है, हर महीना अमावस्या के एक दिन पहले, मतलब 14 के दिन आप नवेद देंगे और उसको अमावस्या को फिर खा लेंगे। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है ये आपको साल भर करना है, साल भर तक रोज दीपक, अगर दिखाएंगे तो भी बढ़िया, नहीं भी दिखाए तो कम से कम दो अगरबत्ती दिखाएंगे और जल देंगे। अच्छा, ये जो स्थान होगा जहाँ पर आप इसको स्थापित करेंगे, वहाँ विद ड्यू रिस्पेक्ट जाएंगे, जैसे कि कोई अगर गार्जियन बैठा हो तो वैसे जाता है। घर की जो छोटी बहू होगी वो कभी भी इस स्थान पर बिना पल्लू के नहीं जा सकती है, और किसी भी दिन स्किप नहीं हो सकता है, ना जल देना ना अगरबत्ती दिखाना। फिर जब अगले महीने, अगले साल ये दिन आएगा महालया का, तो उस दिन आपको इस नारियल को हटा देना है, इसका विसर्जन कर देना है, वस्त्र का विसर्जन कर देना है, और फिर से नया नारियल वस्त्र के साथ वहाँ रखना है। ये क्रिया अगर आप साल भर करते हैं तो धनाट हो जाइएगा, किसी भी तरीके का बाधा आपके परिवार पे नहीं आ पाएगा। और पितृ जब प्रसन्न होते हैं ना, तो देवता भी सोचते हैं, वो इस खुले हाथ से आपको देते हैं, चाहे वो धन हो या सुख समृद्धि हो या फिर पैसा हो, खुशी हो, हर चीज़ पितरों के प्रसन्न होने से आपके पास ऑटोमेटिक आने लगती है। तो आप लोगों में से जो भी ये नहीं करते हैं, इस अमावस्या से शुरू कर दीजिए, आप लोगों को बहुत लाभ होगा इस क्रिया को करने से। बाकी जो पंडितों के साथ आप लोग जो पिंडदान करते हैं और जो भी व्यवहार करते हैं, बहुतों के लिए वो संभव नहीं है, तो वो करते रहिए। लेकिन ये जो तरीका है पितरों को खुश करने का, इसको आप सभी अपनाएं। जिनको भूत प्रेतों में इंटरेस्ट है, वो मेरी किताब हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अमेजोन या फ्लिपकार्ट से खरीद के पूरे विश्व में कहीं भी पढ़ सकते हैं। साधना का अगर बेसिक जानकारी चाहिए तो एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है 9431188585, इस पर आप जा करके और मुझे मैसेज कीजिएगा, बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट कॉल करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद उसमें rudranath@cm4 आप टाइप कीजिएगा तो मेरा आपको प्रोफाइल मिलेगा, आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.aghortantrasa.xyz, उसमें अपॉइंटमेंट सेक्शन। पितृदेव आप लोगों पर कृपा बरसाए रखें, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।